एपिसोड 97, वोटिंग फॉर विधि। मेघना ने अपनी नजरों से हरकतें करते हुए होस्ट को घूर कर बोली, मिस्टर होस्ट, क्या तुम्हें भी लगता है कि विदुषी ने मिस विधि की इंसल्ट की? होस्ट ने मेघना के एक्सप्रेशन देखे और वो घबरा गया। मेघना के एक्सप्रेशन देखने के बाद होस्ट को महसूस हुआ कि उसने कुछ गलत बोल दिया है। बेशक विधि के बारे में बहुत सारे रूमर्स फैल रहे थे, लेकिन अभी तक विधि के खिलाफ कोई पक्का सबूत नहीं मिला जिससे साबित हो जाए कि विदुषी ने विधि की इंसल्ट की है। होस्ट होने की वजह से बेशक वो विधि को नीचा दिखाना चाह रहा था, लेकिन एक होस्ट को अपनी पब्लिक इमेज बनाकर रखनी पड़ती है और कुछ टॉपिक्स पर संभल कर बोलना पड़ता है। नहीं तो होस्ट के साथ भी वो हो सकता है जो उस आदमी के साथ हुआ जिसको पुलिस वाले अपने साथ ले गए। वो घबराते हुए हंसा, मैं तो बस रूमर्स को फॉलो कर रहा था। ऑडियंस में शोर मचने लगा, ये होस्ट इस बात को भी रूमर बता रहा है, और फिर इतनी हिम्मत दिखाकर ये किसी आर्टिस्ट से ऐसे कैसे बात कर सकता है? होस्ट को समझ नहीं आया कि वो टॉपिक को कैसे चेंज करे। वो टाइम म्यूजिक एंटरटेनमेंट से ली हुई रिश्वत को याद करके रिग्रेट कर रहा था। उसको इस सिचुएशन में एम्बैरस्ड होना पड़ा। मेघना मुस्कुराई और माइक को अपने होठों के पास लाकर बोली, सब लोग रूमर्स पर भरोसा नहीं करते हैं, और जब तक सच सामने नहीं आता तब तक हमें किसी और पर कीचड़ नहीं उछालना चाहिए। मैं इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाकर चोपड़ा परफ्यूम कंपनी को थैंक यू बोलना चाहूंगी। उन्होंने सही और गलत को पहचाना, ना कि रूमर्स का साथ दिया। अगर वो भी रूमर्स पर भरोसा करते तो शायद मिस विदुषी को स्टारशिप विंग परफ्यूम की एंडोर्समेंट करने का मौका ही नहीं मिलता। मेघना ने अपनी बातों से लोगों को सिचुएशन के बारे में सोचने के लिए मजबूर कर दिया। उसने अपनी बातों से ऑडियंस को समझा दिया कि जब तक असलियत सामने नहीं आ जाती तब तक किसी भी रूमर्स पर भरोसा नहीं करना चाहिए। इतनी बड़ी परफ्यूम कंपनी ने विदुषी शर्मा को अपने परफ्यूम की एंडोर्समेंट करने दी, लोगों के लिए यही बहुत बड़ी बात है। चोपड़ा परफ्यूम कंपनी की रेपुटेशन हमेशा से लोगों के दिलों में अच्छी बनी रही है। सारे पहलू को एक साथ मिलाने के बाद ऑडियंस में से किसी ने अपने दोस्त का हाथ खींचा और उससे पूछते हुए बोला, क्या तुम्हें लगता है कि विदुषी शर्मा पर झूठा इल्जाम लगाया गया है? चोपड़ा परफ्यूम कंपनी हमेशा से अपने प्रोडक्ट की एंडोर्समेंट को लेकर जानी जाती है। वो कभी नहीं चाहेंगे कि जिस लड़की पर इतनी कंट्रोवर्सी चल रही हो वो उसको अपने प्रोडक्ट की एंडोर्समेंट दे दे। वैसे भी विदुषी को अपनी एंडोर्समेंट के लिए चुनने से पहले उन्होंने जरूर इन्वेस्टिगेशन करवाई होगी। इन्वेस्टिगेशन करवाने के बाद जरूर उनको कुछ गलत नहीं लगा होगा, तभी उन्होंने विदुषी को चुना। That's impossible, उसका फ्रेंड सस्पिशियसली बोला। तुम्हारे कहने का मतलब है कि विदुषी शर्मा इनोसेंट है और मुक्ति झूठ बोल रही है कि विदुषी ने द डीवा विधि की इंसल्ट की? मुक्ति शक्ल से ही इनोसेंट और अच्छी लगती है, वो ऐसा क्यों? हमें किसी को उसकी शक्ल से जज नहीं करना चाहिए। कौन जानता है कि मुक्ति सच में इनोसेंट है? तुम सही कह रही हो, उसके फ्रेंड ने जवाब दिया। ऑडियंस में ऐसे काफी लोग थे जो अभी तक विधि और मुक्ति में से किसी को चूज नहीं कर पा रहे थे। बेशक वहाँ आए हुए बहुत से लोग मुक्ति को पसंद करते थे, लेकिन उनमें से अधिकतर लोग मुक्ति को सिर्फ उसकी बड़ी बहन द डीवा विधि की वजह से जानते थे। असलियत में द डीवा विधि के फैंस अपना प्यार उसकी छोटी बहन मुक्ति को देने लगे थे। अगर बात टैलेंट और तौर तरीके की जाए तो ऑडियंस की नजर में मुक्ति से ज्यादा विदुषी शर्मा द डीवा विधि के जैसी थी। विदुषी का एरोगेंट एटीट्यूड, उसकी स्टेज प्रेजेंस, उसका लोगों से बातें करने का तरीका और भी ऐसी बहुत सी चीजें जिसकी वजह से विदुषी को एक दीवा से कंपेयर किया जा रहा था। मुक्ति का क्या, अपनी बड़ी बहन के टेम्परामेंट के सामने मुक्ति कुछ भी नहीं थी। बहुत से विधि के फैंस बस मुक्ति के फैंस इसलिए बन गए क्योंकि वो इस दुनिया में नहीं थी। ऐसे बहुत कम लोग थे जो दिल से मुक्ति के फैंस थे। लेट्स बी मोर मैच्योर अबाउट दिस, ऑडियंस में बहुत से लोग धीमी आवाज में डिस्कस कर रहे थे। विदुषी शर्मा के लिए भी लाइफ काफी टफ चल रही है। करियर शुरू होने से पहले वो इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी में फंस गई, लेकिन फिर भी चोपड़ा फैमिली ने उसके ऊपर भरोसा किया कि उसने विधि की इंसल्ट नहीं की है। शायद इन सब चीजों के बीच कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। हालांकि सब जानते थे कि चोपड़ा फैमिली विधि को उसकी खोई हुई रिस्पेक्ट वापस दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। विधि स्टेज पर खड़ी होकर लोगों को डिस्कस करते हुए देख रही थी। अंधेरे में खड़ी हुई ऑडियंस तारों से भरे आसमान की तरह लग रही थी। धीरे धीरे लोग कार्डबोर्ड पर विधि का नाम लिखकर उसके लिए चीयर करने लगे, विदुषी शर्मा, वी लव यू, वी सपोर्ट यू। लोगों ने ये सब कार्डबोर्ड पर लिखकर कार्डबोर्ड को हवा में लहराना शुरू कर दिया। कार्डबोर्ड और फ्लैशलाइट्स को देखकर विधि मुस्कुराने लगी। वहाँ खड़ी हुई ऑडियंस जल्द ही पुरानी बातों को भुलाकर विधि को दिलो जान से सपोर्ट करने लगी।
निधि की नजर उस भीड़ में से किसी जाने पहचाने चेहरे को ढूंढ रही थी, मोहित। अगर इस बुरे वक्त में मोहित उसका साथ नहीं देता तो वो कभी भी इतनी बड़ी कंपनी के एंडोर्समेंट नहीं कर पाती, और अपनी रेपुटेशन वापस पाना तो बहुत दूर की बात थी। मोहित ने निधि की रेपुटेशन बचाने के लिए चोपड़ा फैमिली से उसका नाम जोड़ा और चोपड़ा फैमिली के रेपुटेशन से निधि के रेपुटेशन को बनाया। मोहित का चेहरा याद करते हुए विधि के चेहरे पर अजीब सी मुस्कुराहट आ गई, बल्कि विधि को महसूस नहीं हुआ कि वो इस समय कितने प्यार से मोहित को याद कर रही है। ऑडियंस को विधि के लिए सपोर्ट करते देख होस्ट अपने आप को संभाल नहीं पा रहा था। वो अपने मन में बोला, अगर विदुषी को लोग ऐसे ही सपोर्ट करते रहे तो मुक्ति का जीतना इम्पॉसिबल है। टाइम म्यूजिक एंटरटेनमेंट ने इस कॉम्पिटिशन को ऑर्गेनाइज करके और यहाँ के स्टाफ को अपने अंडर करने के लिए पानी की तरह पैसा बहाया है। टाइम म्यूजिक एंटरटेनमेंट मुक्ति को ऐसे हारते हुए नहीं देख पाएगी। होस्ट ने अपने आप से बातें करते हुए मुक्ति के चेहरे की तरफ देखा और जो उसने एक्सपेक्ट किया था वही हुआ। मुक्ति के चेहरे की हंसी पूरी तरह से गायब हो चुकी थी। अब हम नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं, होस्ट जल्दबाजी में बोला। उसे लगा कि नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ बढ़ते हुए विधि के ऑडियंस के बीच का सपोर्टिंग मोमेंटम टूट जाएगा। वो आगे बोला, प्लीज अपनी वोटिंग मशीन हाथ में पकड़ लो। जो लोग मिस विदुषी को सपोर्ट कर रहे हैं वो मशीन में विदुषी शर्मा के नाम के ऊपर वाला बटन दबाएं। वोटिंग के टाइम स्टारशिप विंग परफ्यूम प्रमोशनल वीडियो बड़ी स्क्रीन पर लूप में चल रही थी। होस्ट की वोटिंग वाली बात से मुक्ति का गुस्सा और ज्यादा बढ़ गया। क्या होस्ट पागल हो गया? वो इस समय ऑडियंस को वोटिंग करने के लिए बोल रहा है जबकि ऑडियंस का सपोर्ट इन मोमेंटम बिल्कुल विधि के फेवर में है। मुक्ति अपने मन में चिल्ला चिल्ला के बोली। हालांकि ऑडियंस को वोटिंग करने से रोकने के लिए मुक्ति कुछ नहीं कर सकती थी। बड़ी स्क्रीन पर वोटिंग लिस्ट जल्दी जल्दी बढ़ने लगी। 100, 200, 1000, 2000, 5000, 7000। वोटिंग लिस्ट बढ़ते हुए 10,000 के पार हो गई। फाइनली वोटिंग लिस्ट 11,000 के मार्क पर जाकर रुक गई। वहाँ स्टेज पर खड़े हुए किसी ने इतना अच्छा रिजल्ट एक्सपेक्ट नहीं किया था। मुक्ति के क्रेजी लॉयल फैंस के अलावा लगभग बाकी सारे लोगों ने विधि के लिए वोट दिया था। उस वोटिंग में से कुछ लोग मुक्ति के फैंस थे, लेकिन विधि की सिंगिंग और एंडोर्समेंट देखकर उसके सपोर्टर्स बन गए। 11,000 वोट्स। ये अनाउंसमेंट करते हुए होस्ट के चेहरे का रंग उड़ गया था। 15,000 ऑडियंस में से 11,000 की वोटिंग विधि के नाम हो चुकी थी। वोटिंग होने के बाद मुक्ति का अब इस कॉम्पिटिशन को जीतना लगभग नामुमकिन हो गया था। 11,000 की वोटिंग को तोड़ने के लिए मुक्ति को बहुत ही अच्छी सिंगिंग करनी पड़ेगी। होस्ट के पास अब बातें खत्म हो चुकी थी। उसको इस इवेंट को आगे बढ़ाने के लिए बहुत सोचना पड़ रहा था। वो सोच कर बोली, ये तो बहुत सरप्राइज वाली बात है कि मिस विदुषी के लिए इतनी वोटिंग हुई है। मुझे भरोसा है मुक्ति का गाना सुनने के बाद हमें वोटिंग लिस्ट देखने में और भी मजा आएगा। होस्ट पहले ही वेवे डांस एंटरटेनमेंट को ऑफेंड कर चुकी थी, इसलिए उसने सोचा कि वो अब आखिर तक टाइम्स म्यूजिक एंटरटेनमेंट को सपोर्ट करती रहेगी चाहे कुछ भी हो जाए। ऑडियंस में लोगों ने होस्ट की बात पर बूइंग करना शुरू कर दिया। ये होस्ट अपने आप को बार बार एम्बैरस्ड क्यों कराना चाह रही है? ये पक्का मुक्ति से मिली हुई है। हालांकि ऑडियंस के शोर में विधि मुस्कुराई और माइक से बोली, मुक्ति मैं तुम्हारे गाने को सुनने के लिए एक्साइटेड हूँ। इस बात को विधि ने फुल स्वैग के साथ कहा। नाइस वन विदुषी शर्मा। ऑडियंस में से काफी लोग विधि के लिए चीयर करने लगे। बेशक वो लोग पहले यहाँ पर दीवा विधि की छोटी बहन को सपोर्ट करने आए थे, लेकिन विदुषी की परफॉर्मेंस और उसका नेचर देखने के बाद इन सब लोगों ने मुक्ति को बुलाकर विदुषी को सपोर्ट करना शुरू कर दिया। आज से मैं मुक्ति की एंटी फैन की स्क्वाड को ज्वाइन करने वाली हूँ। मुक्ति जानबूझकर मासूम होने का दिखावा करती है, लेकिन वो बहुत चालाक है। एक लड़की ने अपने दिल पर हाथ रखकर कहा, हम भी तुम्हारे साथ हैं। ऑडियंस में खड़े टीनेजर्स आपस में बात करने लगे और उन्होंने भी विधि को सपोर्ट करना शुरू कर दिया। ऑडियंस को चीयर करते देख विधि ने अपना हाथ हवा में लहराया और ऑडियंस को बाय बोलकर स्टेज से एग्जिट ले ली। स्टेज पर मन्नत परफ्यूम के थीम सॉन्ग का इंट्रो बजने लगा और मुक्ति ने झिझकते हुए सिंगिंग शुरू कर दी। मुक्ति को बचपन से ही सिंगिंग करना पसंद नहीं था और इंडस्ट्री में एज अ सिंगर डेब्यू करने के बाद वो बस अपनी बड़ी बहन दीवा विधि के नाम पर टिकी हुई थी। मिस्टर कपूर को मुक्ति की बड़ी बहन की आवाज पसंद थी, इसी वजह से मुक्ति इंडस्ट्री में बनी हुई थी। हालांकि मुक्ति का टैलेंट लिमिटेड और उसकी सिंगिंग बस नॉर्मल थी। जब रिकॉर्डिंग स्टूडियो में मन्नत परफ्यूम का थीम रिकॉर्ड हुआ तब मुक्ति की आवाज को ऑटो ट्यून ने अच्छा बना दिया था, लेकिन इस समय मुक्ति के लिए लाइव परफॉर्मेंस देना बहुत बड़ा मुश्किल काम था। अगर उसने रिकॉर्डेड थीम सॉन्ग के आसपास की लाइव परफॉर्मेंस नहीं दी तो लोगों के सामने उसकी पोल खुल जाएगी।
एक बार फिर से ऑडियंस के बीच शोर मचने लगा, लेकिन इस बार मुक्ति के लिए शोर मच रहा था। क्या मुक्ति सच में इतना बुरा गाती है?